बिहार की राजधानी पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास लेखापाल एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का संयुक्त राज्य स्तरीय नौवां महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 3800 जिलों एवं 534 प्रखंड से ग्रामीण आवास कर्मी सम्मिलित हुए हैं। और हम इस सम्मेलन के माध्यम से सर्वप्रथम सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक अपनी मांगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि सरकार हमारी समस्याओं पर विचार करते हुए हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा पुनः हम अपनी अगली रणनीति के तहत सरकार से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को तैयार है, लेकिन अपनी मांगों को सरकार से पूरा करा करके ही इस बार दम लें। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? सबसे पहली मांग तो यह है कि महंगाई के इस दौर में हमारे ग्रामीण आवास सहायक का मानदेय मात्र 13,000 रुपया के लगभग है, ग्रामीण आवास प्रखंड लेखापाल का मानदेय मात्र 17,000 के लगभग है एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय मात्र 21,000 के लगभग है। तो सरकार से हमारी मांग यह है कि इस केंद्र सरकार के सातवें वेतन मान के आलोक में हमारे मानदेय को 2.57 से गुना करते हुए ग्रामीण आवास सहायक का मानदेय 40,000 रुपया, ग्रामीण आवास प्रखंड लेखापाल का मानदेय 50,000 रुपया एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय 7,000 रुपया किया जाए एवं कर्नाटक सरकार के उमा देवी बनाम के उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में हमने राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए। यह हमारे दो प्रमुख मुख्य मांगे हैं। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो? सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है, एक तो हमारी सरकार से न्यायालय में भी CWJC 66 जो है दायर है, उसके माध्यम से सरकार से संघर्ष चल रहा है। अभी हम शांतिपूर्वक सरकार और विभाग के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो बिहार के कोने कोने से ग्रामीण आवास कर्मी पटना के इस धरती पर उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जी, मैं दिलीप कुमार सदाब, प्रदेश अध्यक्ष राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ सगासा बिहार। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज के कार्यक्रम के बारे में हम कहना चाहेंगे कि हम लोग का पिछला मानदेय वृद्धि या पुनरीक्षण 5 साल पहले हुआ था और 5 साल हो गए और अभी तक फिर से दोबारा पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जो कि हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारा पुनरीक्षण करे, मानदेय वृद्धि ही नहीं पुनरीक्षण करके अच्छा से वृद्धि करे, और उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बात जरूर मानेगी। मैं सुरेंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता सगासा बिहार। जिसका नाम मांगी जी है, हम अधिकार पाती है ना, उन तक दो चार में सीट लाइए नहीं पाते हैं। आवाज कर्मी सपना देखता है कि दिलीप सराफ विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। अरे ये सब नहीं, आने लीजिए मीडिया के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं हो रही है। अरे वास्तविकता में आइए, संघ का नेता होना राजनीतिक पार्टी का नेता होना बहुत अंतर है। संघ के
जनता के सामने जाके झूठा वादा करना होता है, ख्याली पलाव दिखाना होता है, कहना होता है कि हमको जिताइएगा तो ये अभी स्कूल में सरकार दे रही है खाने के लिए खिचड़ी या चावल, पहनने के लिए कपड़ा, चलाने के लिए साइकिल, पढ़ने के लिए किताब और उसके अलावा पैसा। तो अगला पार्टी अगर हमारे जैसा बुद्धिजीवी बनाएगा तो क्या कहेगा मालूम है? अभी तक बच्चा जन्म होता है उसको भी पैसा मिलता है, घर में खाने के लिए अनाज मिलता है, पढ़ने के लिए मिल रहा है पैसा सरकार से, खाने के लिए मिल रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो ये भी वादा कर देंगे कि आपको केवल शौचालय नहीं बनवाएंगे, बल्कि आपके शौचालय कैसे होगा ये प्रबंध करवा देंगे, आप कोई बीमारियां नहीं रहने देंगे। हम तो यही वादा करेंगे कि आपको शौचालय में कभी दिक्कत नहीं होगा, हम तो यही वादा करेंगे। हम वादा करते हैं आपको ऐसा बीमारियां नहीं होने देंगे कि आपको शौचालय में दिक्कत हो। अरे राजनीति पर सीखा ठंडा होता है, जितना हवा हवाई बोलना और बोल दो है। सगासा बिहार काइंडली रिक्वेस्ट है, सभी जिला अध्यक्ष रुकेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्द से जल्द चले जाए निकल जाए कि व्यवस्था है। और मैं वो बात बोलने ही वाला हूँ, सब अपने आ जाएगा। मैं सुरेंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता सगासा बिहार सह स्वागत करता आज के इस प्रोग्राम का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अगर हॉल भर जाएगा तो फिर हमको कहना, नहीं तो मुझे पता था कि लोग आएंगे, जरूर आएंगे, और मैं इससे भी बड़ा बुक करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अपने साथी में ही कुछ कंफ्यूजन था और होना भी चाहिए। हाँ, और उस कंफ्यूजन से मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो इसलिए साथियों, मेरे कहने का इस मस्त है तो व्यस्त है तो मस्त है, इसका सार यही है कि सारी व्यस्तताओं को दूर कर दे और धैर्य पूर्वक यह बात को हम लोग थोड़ा एक घंटा दो घंटा और एक डेढ़ घंटा और लगेगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूं कि बार बार इतने सारे लोगों को पटना बुलाया जाए। साथियों, हमारे नवनीत भाई ने बोला, उनका कहने का तात्पर्य मैं भली भांति समझता हूँ, पर मैं एक लाइन उसमें थोड़ा सा अमेंड करूंगा कि जब तक सगासा है तब तक हम नहीं है। साथियों, जब तक सगासा है तब तक हम नहीं है, जब तक हम हैं तब तक सगासा है और रहेगा। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि सगासा का या आवास कर्मी का सिर्फ एक संगठन है, सगासा बिहार, सगासा बिहार, सगासा बिहार। इसके अनवरत जो भी संगठन है उस पे जाना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी कमजोर करने का वो कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। गांव में कहावत है, झिटका मार दो या मरवा दो, तो वो लोग हमारे भविष्य के प्रति झिटका मारने मरवाने वाले का रोल निभा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सगासा के जो नेतृत्व करता है उनसे ज्यादा कैलिबर, उनसे ज्यादा विजन मेरे पास है, तो मैं आमंत्रित भी किया था सबों को। सबो मतलब सबो होता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है, आके बोलना चाहिए था और यह साबित करना चाहिए था कि मेरा विजन क्या है और मैं क्यों इम्पोर्टेंस रखू। आमंत्रण भी किया गया था पर वो लोग आए नहीं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो अपने स्पेशल लालसा के प्रति उत्सुक और जुझारू है कि सगासा परिवार के प्रति जुझारू है। साथियों, यह निर्णय लेना पड़ेगा। साथियों, जब भी हम कहीं जाते हैं, काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे में एक तो मैं बांटा हूं, कोई अदरवाइज नहीं लेगा, क्योंकि आज सुनेगा लोग, आज के बाद मुझे भी लगेगा कि सुनना और सुनाना चाहिए तो होगा, नहीं तो और भी बहुत काम है।
बहुत लोग का यह पट्टा छे पाता है कि चेहरा चमकाने का कार्य करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, गांधी मैदान जाना है, सेल्फी मार देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथियों, आप ब्लॉक में भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं, तो सेल्फी क्या लाइव लोकेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उपस्थित हूँ। तो साथियों, मेरे पास क्या विकल्प है यह साबित करने का कि मैं उपस्थित हूँ, या मैं मेरा क्रियाकलाप क्या हो रहा है अपडेट करने का क्या विकल्प है? और मैं फिर से बोल चुका हूँ, शायद हमने ही बोला था अध्यक्ष महोदय को भी, कि चेहरा चमकाने का एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ता है। हम या कोई अगर डिजर्व करते हैं तो रिजर्व कर ही लेंगे, अगर डिजर्व करते हैं तो रिजर्व कर ही लेंगे, चाहे जिस एंगल से हो, जिस रास्ते हो। तो किसी को यह ना लगे कि चेहरा चमकाने की रीति है, यह चेहरा चमकाने की रीति नहीं होती है। जब तक कि हम पूरा दोहरा रहे कि राजकर्मी का दर्जा और नियमित वेतन मान न मिल जाए। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, सबका कर्मी जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ भाई। जिला अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष से नहीं हो पा रहा है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य एवं दायित्व है। साथियों, आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये परिस्थिति ने हमें एकत्रित करवाया है।